हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज के अपडेट्स के बारे में, ताकि आप हॉलीवुड की मूवीज को लेकर पूरी तरीके से अप टू डेट रहे। अब आई नो ये अपडेट मैंने काफी ज्यादा लेट बनाया है, जिसमें मैंने पूरी अपडेट को कवर नहीं किया है हॉलीवुड की फिल्मों से रिलेटेड, लेकिन इतनी फिल्में तो है जिनका कन्फ्यूजन इस वीडियो से आपके लिए पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। जैसे कि लॉयन किंग फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया गया है, जो सीक्वल और प्रीक्वल दोनों है, और इसके अलावा शेरलॉक होम्स के यूनिवर्स को बढ़ाने की आगे बात की जा रही है, और सोनिक के यूनिवर्स में भी एक स्पिन ऑफ की तैयारी की जा रही है। बाकी बच्चे ब्लैक एडम, लोकी, जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों के भी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं उन सभी की सभी फिल्मों के अपडेट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है डिज्नी प्लस पर आने वाली सीरीज लोकी से रिलेटेड, जिसके प्रोडक्शन को एटलांटा जॉर्जिया में शुरू कर दिया गया है, और वहीं पर स्पॉट किए गए इस सीरीज में आने वाले एक और एक्टर रिचर्ड ई ग्रैंट, जिन्होंने बाद में ट्विटर अकाउंट पर ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी कि वो लोकी की सीरीज का हिस्सा है। हालांकि ये रूमर काफी पहले वायरल हो गई थी कि रिचर्ड लोकी की सीरीज में नजर आ सकते हैं, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। और इसके अलावा एक और काफी बड़ा रूमर भी सर्कुलेट हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली रिचर्ड से ही रिलेटेड है, और ये रूमर ये कहता है कि रिचर्ड हमें सिर्फ लोकी की सिंगल एपिसोड में ही नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सिंगल एपिसोड में। और दावा ये किया जा रहा है इस रूमर में कि रिचर्ड लोकी की इस सीरीज में लोकी के ही कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, यानी कि हमें लोकी का ओल्डर वर्जन इस सीरीज में रिचर्ड ई ग्रैंट प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, ये बात फिलहाल तो रूमर के तौर पर ही सर्कुलेट हो रही है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी दम होगा तो डेफिनेटली मैं तो रिचर्ड के इस रोल से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि लोकी की इस सीरीज में नाम और भी बाकी दूसरे कैरेक्टर्स का निकल आया है, यानी कि अदर कास्ट जिनकी रूमर लोकी की सीरीज में लोकी के ही दूसरे वर्जन के रोल को प्ले करने की जा रही है, जैसे कि सोफिया डी मार्टिनो, जो शायद इस सीरीज में फीमेल लोकी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा एक छोटे बच्चे की भी कास्टिंग की गई है, जो लोकी का काफी यंग वर्जन होगा, क्योंकि ये सीरीज टाइम ट्रेवलिंग से भरी पड़ी है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। लेकिन फिलहाल तो लोकी की सीरीज से जो रूमर्स निकल कर आए हैं और कुछ कंफर्मेशन एक्टर की, वो फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, जिससे कि ये बात भी कंफर्म होती है कि लोकी की सीरीज को 2021 की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही रिलीज किया जाएगा। और बातें हैं अगली अपडेट पर, जो कि है सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरवर्स से रिलेटेड। लेकिन फिलहाल तो ये डिटेल एक रूमर के तौर पर ही अभी कंफर्म की जा रही है, जिसकी कंफर्मेशन डेनियल आर पीके ने की है, या फिर नहीं भी कह लो, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट में बस यही लिखा है कि वेनम के कैरेक्टर को लेकर केविन फाइगी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और जी हाँ, टॉम हार्डी को भी लेकर, जिसका मतलब साफ है कि वेनम के कैरेक्टर को भी लेकर कोई ना कोई डेवलपमेंट एमसीयू के यूनिवर्स में की जा रही है। क्योंकि एक रूमर जो इस ईयर के स्टार्ट में ही कंफर्म की गई थी कि वेनम 2 फिल्म में हमें एक झलक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के वर्जन का देखने मिलेगा, जिसे इसके पहले वेनम 1 फिल्म के लिए शूट किया गया था, बट बाद में उस सीन को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ केविन फैगी के कहने पर। बट हो सकता है कि अब चीजें पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि वेनम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा अच्छी कमाई की है, जिस बॉक्स ऑफिस नंबर पर डिज्नी स्टूडियो की भी नजर पड़ी है, इसलिए वेनम के कैरेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है एमसीयू के यूनिवर्स के अंडर। और अब आ जाए अगले अपडेट पर, तो ये अपडेट है लॉयन किंग फिल्म के सीक्वल या फिर प्रीक्वल से रिलेटेड। जी हाँ, अब इसे लेकर कंफर्मेशन बनी हुई है कि लॉयन किंग के यूनिवर्स में, लाइव एक्शन के यूनिवर्स में फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है या फिर प्रीक्वल। लेकिन कंफर्मेशन इस फिल्म के डायरेक्टर की कर दी गई है, जो कि मूनलाइट फिल्म के डायरेक्टर बैरी जैकिंस है, जो डिज्नी के लाइव एक्शन एडेप्टेशन लॉयन किंग फिल्म के यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी। तो अगर आपको फिल्म के डायरेक्टर बैरी जैकिंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप पहले जाकर उनकी डायरेक्ट की गई फिल्म मूनलाइट देख लीजिए, जिसने एकेडमी में ऑस्कर अवार्ड तक जीते हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि डिज्नी की तरफ से इस फिल्म के सीक्वल या फिर प्रीक्वल को लेकर किस तरीके की प्रिपरेशन की गई है, क्योंकि जो सीक्वल और प्रीक्वल में मैं आपको फंसा रहा हूं, उसकी कंफ्यूजन एक्चुअल में डिज्नी स्टूडियो की तरफ से ही निकाली गई है, क्योंकि फिल्म की कहानी का फोकस फिल्म के एनिमेटेड वर्जन लॉयन किंग 2 सिम्बास ब्राइट पर नहीं है, यानी कि इस फिल्म का पूरा पूरा फोकस मुफासा की ओरिजिन पर भी होने वाला है, जिस कैरेक्टर से लोग बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हुए थे इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन यानी कि एनिमेटेड वर्जन में, जो आया था ईयर 1994 में, जो कि आज की तारीख में एक कल्ट क्लासिक तो है ही। ऐसे में अगर स्टोरी में उन्हीं सेम चीजों को फिर से दिखाया जाएगा जो हमने ऑलरेडी देख रखी है एनिमेटेड वर्जन में, तो चीजें कुछ खास ज्यादा बदल कर नहीं आएगी। और जितनी हाइप इस फिल्म के लाइव एक्शन वर्जन की थी, उसके हाइप के हिसाब से फिल्म की कमाई भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा थी, जो कि लगभग 1.657 बिलियन की थी, और ये नंबर स्टूडियो के लिए तो बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसे में प्रिपेरेशन तो बनती ही है, भले से ही फिल्म को क्रिटिकली क्लेम इतना ज्यादा अच्छा ना मिला हो, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन उनकी कंप्लेंट जो डिज्नी की लाइव एक्शन वर्जन फिल्मों को लेकर हमेशा रहती है, वो है फिल्मों को कॉपी और पेस्ट करना, जिस पर अब डिज्नी स्टूडियो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है। और ये चीज लॉयन किंग फिल्म के सीक्वल की कंफर्मेशन के साथ हो रही है कि फिल्म की स्टोरी में कितने सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, और ऐसा ही कुछ हमें विल स्मिथ की फिल्म अलादीन 2 के साथ भी देखने मिलने वाला है, तभी जाकर लोगों को ऐसी फिल्में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, अगर उनमें चेंजेस
किए जाए तो अगर डिज्नी की तरफ से उनके लाइव एक्शन के वर्जन की चेंजेस के साथ साथ कंफर्मेशन की जा रही है तो ऐसी ही कंफर्मेशन साल 2016 की फिल्म जंगल बुक का भी कर दो यार, जिसका मैं काफी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अब तक उसका ऐसा कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। और अब बात करते हैं काफी छोटे छोटे हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहला अपडेट होगा जुरासिक वर्ल्ड डोमिनेंट फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, जिसे अब सेट नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए नहीं बल्कि 2022 के लिए सेट किया गया है और तारीख है 10 जून की, जो किसी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं। अब आई नो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस नंबर को बचाने के लिए ही किया गया है, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड की दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है और पैंडेमिक के चलते स्टूडियो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा इस फिल्म के थर्ड पार्ट को रिलीज कर। ऐसे में रिलीज डेट शिफ्ट करना बनता ही है। और अब डीसी के यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म ब्लैक एडम की कास्ट के बारे में बात करें तो इस फिल्म के लिए हॉकमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए एक्टर मिल गए हैं, जिनका नाम है एल्डिश हॉक, जो डीसी के यूनिवर्स के हॉकमैन है। इसके अलावा रूमर इस फिल्म से रिलेटेड आईसीएस के कैरेक्टर की भी है कि शायद हो सकता है कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में सारा सही प्ले करे। अगर आपको आईसीएस के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आईसीएस ब्लैक एडम की वाइफ है, जिसके लिए ब्लैक एडम किसी भी हद तक जा सकता है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से फिल्म की कास्टिंग को कंफर्म किया जा रहा है, उनसे तो ये बात साफ है कि डीसी की तरफ से पूरी की पूरी प्रिपरेशन इस फिल्म को बनाने की कर ली गई है। हालांकि अभी तक फिल्म की न्यू रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, जो फैंस के लिए किसी डिसअपॉइंटमेंट से तो कम नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि हमें अब जाकर ये फिल्म फाइनली देखने मिलने वाली है। और इसके अलावा बात करें एक सुपर हीरो पर बन रही अपकमिंग फिल्म के बारे में, जो इन सभी कैटेगरी से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि इस फिल्म को प्रोड्यूस न्यू लाइन सिनेमा वाले कर रहे हैं और फिल्म का टाइटल है सुपर हाई। वेल, इस फिल्म का फोकस कुछ ऐसे सुपर हीरोज पर किया जाएगा जो सुपर पावर्स के लिए कुछ वीड का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब वो कुछ वीड लेंगे तभी जाकर उनके अंदर सुपर पावर्स आती है। अब आई नो ये प्रोजेक्ट आपको नेटफ्लिक्स की फिल्म प्रोजेक्ट पावर की याद दिला रहा होगा, लेकिन ये फिल्म काफी ज्यादा कॉमेडी भी होगी, जिसमें हमें देखने के लिए एंडी सैमबर्ग, ग्रेग रॉबिन्सन और कॉमन देखने मिलेंगे। और हाँ, कंफर्मेशन के हिसाब से इस फिल्म का बजट भी अच्छा रखा गया है, ताकि ये फिल्म लोगों को दिखने में किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट ना दे। ये सुपर हीरो की फिल्में सिर्फ ट्रेंड के तौर पर ही बनाई जा रही है, जिसमें बजट को काफी ज्यादा कम रखा जाता है। हाँ, इसमें एमसीयू और डीसी की फिल्में नहीं है, क्योंकि वो फिल्में सुपर हीरो के लेवल को बहुत ही ज्यादा ऊपर ले गई है। और अब बात करें पैरामाउंट की फिल्म सोनिक के स्पिन ऑफ से रिलेटेड, तो जी हाँ, एक रूमर इस फिल्म के स्पिन ऑफ से रिलेटेड भी निकल कर आया है, जिसका फोकस एक्चुअल में सोनिक के कैरेक्टर पर नहीं बल्कि जिम कैरी के कैरेक्टर एगमैन पर रखा जाएगा। अब ये सीरीज होगी या फिर एक स्पिन ऑफ फिल्म, उसका फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन स्टूडियो जिम कैरी के कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करे, जैसा फैंस डॉक्टर रॉबर्टनिक को लेकर देखना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट की तो अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई है इस फिल्म के सीक्वल को लेकर, जो फिल्म हमें 8 अप्रैल 2022 में देखने मिलेगी। और अब आते हैं ऐसी एक और बच्चों की फिल्मों पर, जो कि है थॉमस एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, वही कार्टून जो हमने पोगो पर कई बार देखा है, जिसमें एक रेल का इंजन होता है जो रोज क्या क्या करता है, वो कार्टून उसी पर फोकस करता है। लेकिन फिल्म का लाइव एक्शन एडेप्टेशन एक्चुअल में कैसा होगा, उसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन अब ये खबर ऑफिशियली कंफर्म की गई है, क्योंकि इस फिल्म के साथ जिस डायरेक्टर का नाम अटैच किया गया है, उनका नाम है मार्क फॉरेस्टर, जिन्होंने इसके पहले वर्ल्ड वॉर जेड जैसी फिल्म भी बनाई है। और हाँ, जेम्स बॉन्ड की सीरीज की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस को कौन भूल सकता है। तब देखकर ऐसा लगता है कि उनका करियर फिलहाल तो हॉलीवुड में ठीक नहीं चल रहा, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के प्रोजेक्ट को पिक किया है, जिस फिल्म को वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो अब जब बात बच्चों की फिल्मों की हुई है, तो एक सबसे बड़ी फिल्म से रिलेटेड फेक न्यूज की भी बात कर लेते हैं, जो कि जेसन मोमोआ की आने वाली फिल्म फ्रॉस्टी द स्नोमैन से जुड़ा हुआ है। वेल, ये फिल्म नहीं आने वाली, जिसकी अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान रे फिशर की कॉन्ट्रोवर्सी से हटाने के लिए किया गया था, जिसकी कन्फर्मेशन अब जेसन मोमोआ ने खुद की है कि वह ऐसी किसी भी फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में नहीं जुड़े हुए। तो अब आते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि है रॉबर्ट डॉनी जूनियर की अपकमिंग फिल्म शेरलॉक होम 3 से रिलेटेड, जिसका फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वेल, रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपनी इस अपकमिंग फिल्म शेरलॉक होम 3 को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि वो इस कैरेक्टर का रोल आगे भी काफी ज्यादा प्ले करना चाहते हैं, इतना कि उनके हिसाब से शेरलॉक होम का भी एक पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स होना चाहिए। जी हाँ, पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स, ठीक एमसीयू के यूनिवर्स की तरह। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने इस आइडिया को लोगों के सामने पब्लिकली ज्यादा डिस्कस नहीं किया, तो डिटेल शेरलॉक होम के सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड इतनी ही है। और इसके अलावा काफी लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर ये भी पूछा था कि इस शेरलॉक होम 3 फिल्म में हमें जॉनी डेप भी नजर आने वाले है या नहीं। तो जवाब है फिलहाल तो जी नहीं, क्योंकि जिस किसी भी रिपोर्ट को आपने किसी भी वेबसाइट के थ्रू पढ़ा है, तो वो खबर पूरी तरीके से फेक है। रीजन है वी गॉट दिस कवर वाले, जिन्होंने क्लिकबेट के चलते इस खबर को काफी ज्यादा वायरल किया है। और अब आखिरी क्विक अपडेट में हम बात कर लेते हैं डिज्नी प्लस से रिलेटेड, जिस पर पिक्सर की सोल फिल्म को 21 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, वो भी बिना किसी एडिशनल चार्जेस के। और स्टार वॉर्स से रिलेटेड जो सीरीज इस पर आने वाली है, ओबी कनोबी की, उसके भी प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी कंफर्मेशन खुद इवन मैकजोज ने की है। और इसके अलावा डिज्नी प्लस पर हमें नाइट एट द म्यूजियम का सीक्वल देखने मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से एनिमेटेड वर्जन में होगा, जिसका वर्किंग टाइटल नाइट एट द म्यूजियम कानमून रक राइज अगेन रखा गया है। लेकिन पता नहीं इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी को एनिमेटेड में कन्वर्ट क्यों किया गया। और आखिरी अपडेट डिज्नी प्लस पर ही आने वाली 1997 की ओरिजिनल फिल्म अंडर वॉप्स के रीमेक की है। खैर, तो ये थे सारे के सारे हॉलीवुड मूवी के अपडेट, जिन सभी को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा
अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।